नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों अभी आपको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ सुना रहा हूँ कि बॉलीवुड के रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, पहले तो ये एक्टर और एक्ट्रेस थी, लेकिन अभी क्या है, रणबीर कपूर की वाइफ बन चुकी है आलिया भट्ट, ठीक है। और अभी इन दोनों की मूवी परसों रिलीज होने वाली है, मतलब लगभग 8 तारीख है, 9 तारीख को रिलीज होने वाली है ब्रह्मास्त्र, जो इनकी मूवी है वो रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ये लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना विज्ञापन कर रहे हैं, और आज की डेट में ये खास बात यह है कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, जो महादेव का मंदिर है, ये वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरी सुरक्षा इनको दी थी, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म को मानने वाले बहुत सारे सनातनी हिंदुओं ने इनका विरोध किया और इनको दर्शन करने नहीं दिया और मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने दिया। जो भी कुछ रहा हो, उज्जैन में पहुंचे थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर आयान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शासन जो है, शिवराज सिंह, शिवराज मामा जो है हमारे, उन्होंने प्रशासन को अलर्ट मोड पे रखा हुआ था, क्योंकि इनके आने खबर लोगों को या सनातनी हिंदुओं को मिल चुकी थी। जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बाकी जो भी सनातनी हिंदू हैं, जो लोग इनका विरोध करते हैं बॉलीवुड का, उन लोगों को खबर पहले से ही लग चुकी थी कि ये लोग आने वाले हैं, तो इनका विरोध प्रदर्शन उन लोगों का शुरू हो गया कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे, पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और जो आयान था, जो डायरेक्टर था ब्रह्मास्त्र का मूवी का, उसको इन लोगों ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में घुसने नहीं दिया, प्रवेश नहीं करने दिया, और ये वहाँ से बिना दर्शन के वापस लौट आए। खबरें ये चल रही हैं कि रणबीर कपूर गाय का मीट खाता है। सोशल मीडिया पर खबरें ये चल रही हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर। ये सच है तो बहुत ही घटिया एक्टर है रणबीर कपूर, जो अपने आप को शिव भक्त बताता है, अपने बाप को शिव भक्त बताता है और अपने दादा को भी शिव भक्त बताता है, अपने मतलब बाप के बाप को भी ये भोलेनाथ का भक्त बताता है। अगर ये भोलेनाथ का भक्त है, इनका परिवार भोलेनाथ का भक्त है, तो क्या ये लोग गाय का मांस खाएंगे? मेरे पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि ये लोग गाय का मांस खाते हैं, लेकिन मीडिया में यही ट्रेंड चल रहा है कि रणबीर कपूर भी गाय का मांस खाता है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है ये खाते हो। और दूसरी बात, आलिया भट्ट ने अभी बहुत ज्ञान दिया था हमारे हिंदू धार्मिक त्योहारों पर। दीपावली पर इसने ये ज्ञान दिया था कि पटाखे मत फोड़िए, जीव जंतु और डॉगी वगैरह को, मतलब डॉगी को नुकसान पहुंचता है, मतलब इनके कुत्तों को नुकसान रहता है, हम दीपावली मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। ये दीपावली पर तो ज्ञान देते हैं पॉल्यूशन का, पटाखे मत फोड़ो, रॉकेट मत छुड़ाओ, दिवाली मत बनाओ, पॉल्यूशन होता है, लेकिन जब ये बकरा ईद पर ये बहुत बढ़िया शुभकामनाएं देते हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि बकरा ईद पर तो करोड़ों से करोड़ों बकरे और निर्दोष जानवरों को काट दिया जाता है, तब ये उन मुस्लिमों को, कट्टरपंथियों को ज्ञान नहीं देते, लेकिन सारा ज्ञान इन बॉलीवुड वालों के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए और हिंदू धर्म के लिए और सनातनी त्योहारों के लिए और जितने भी सनातनी हिंदू हैं देश में उनके सबके लिए, इन बॉलीवुड के जो भांड हैं, जो दल्लियाँ हैं, जो वेश्याएँ हैं, ये इनको ज्ञान देती हैं, इनको, भारत के सनातनी हिंदुओं को। अब दूसरी तीसरी बात ये है कि इस वजह से भी आलिया भट्ट का विरोध हो रहा है और रणबीर कपूर का विरोध हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है
तो कोई भी व्यक्ति एक विरोध नहीं कर रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनकी मूवीज को बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों कोई वजह तो होगी जिनसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, लोग आहत हुए होंगे, लोगों को समस्याएं हुई होंगी, इसलिए वो लोग इनको बॉयकॉट कर रहे हैं, इनका बहिष्कार कर रहे हैं और इनकी शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रणवीर कपूर जो है वो अभी इंटरव्यू दे रहा था आज तक पे, तो आज तक पे वो इंटरव्यू ये दे रहा था कि हमारे यहाँ सब लोग शिव भक्त हैं, और वो अंग्रेजी में बोल रहा था, मतलब इंग्लिश में बोल रहा था। अब आप सोच सकते हो जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र मूवी, जिसकी मूवी का नाम टाइटल ब्रह्मास्त्र हो, उसको हिंदी में बात करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर अंग्रेजी पकड़ बोल रहा था। अबे जब तुझे हिंदी नहीं आती तो अपनी मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र क्यों रखता है? और ब्रह्मास्त्र का पहले मीनिंग बता दे कि ब्रह्मास्त्र का मीनिंग क्या है। दोस्तों ब्रह्मास्त्र जो है वो संस्कृत का वर्ड है, ब्रह्मांड, ब्रह्मास्त्र, ब्राह्मण और ब्रह्मास्त्र। आप सोचो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। अगर आप इससे पूरी जानकारी ले लो तो इसको सनातन धर्म के बारे में एक लाइन नहीं पता होगी कि सनातन धर्म क्या है। और ये साला ज्ञान दे रहा था सनातन धर्म पर और महादेव पर। अभी मैंने उसका इंटरव्यू देखा रणवीर कपूर का, ये यहाँ ज्ञान पेल रहा था न्यूज में, वे इंटरव्यू में ये थी, रणवीर कपूर था और आलिया भट्ट थी और ब्रह्मास्त्र मूवी का डायरेक्टर था। ये इतने गंदे घटिया लोग हैं दोस्तों, ये साले ब्रह्मास्त्र पर ज्ञान दे रहे थे, ये सनातनी हिंदू को ज्ञान दे रहे थे। अभी तुमको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता है? तुमको सनातन धर्म की सभ्यता संस्कृति के बारे में एक कुछ पता है? लेसन पढ़ा है तुमने सनातन धर्म का? नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि तुम गाय का मीट खाते हो है? और साले तुम इतने घटिया लोग हो, तुम्हारी औरत जिससे तुमने शादी की है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी है? जब वो गर्भवती हो गई, तुम इंटरटेनमेंट कर रहे थे शादी से पहले, रणवीर कपूर और आर्या भट्ट, मतलब फुल इंटरटेनमेंट कर रहे थे, ये लोग मौज ले रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जब वो आलिया गर्भवती हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तब ये साले दोनों शादी रचा लिए, ठीक है। लोगों के बच्चे पैदा होते हैं शादी के बाद, इनके पहले ही पैदा होने लगे, ठीक है। जब कांड बड़े बड़े कर रहे हो, और सुनिए खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि आलिया भट्ट का बाप महेश भट्ट भी बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, उसने तो अपनी लड़कियों को भी क्या व्यवहार किया है ये सभी लोग जानते हैं। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट का वो हमसफर बन चुका है, और उसने यहाँ तक कहा था कि महेश भट्ट ने यहाँ तक कहा था मीडिया में कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। आप समझ सकते हो कि इन बॉलीवुड के गटर छाप सुअर टाइप के जो भांड हो भड़ुए हैं ये लोग, यार इनकी कोई लाइफ है? कोई जीवन है इनका? न सभ्यता है इनके पास, न संस्कृति है इनके पास, न शिष्टाचार है इनके पास, न सदाचार है इनके पास। इनको भारत का गौरव नहीं पता, इनको सनातन धर्म का गौरव नहीं पता, इनको सनातन धर्म का यश नहीं पता, इनको सनातन धर्म की एक पोटली तक नहीं पता, एक लेसन नहीं पढ़ा होगा इन्होंने, और ये साले ब्रह्मास्त्र मूवी बना रहे, ब्रह्मास्त्र टाइटल रख रहे, ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ जानते नहीं साले। ना जाने कितने ऐसे बॉलीवुड के अंदर ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस जो हिंदू बने फिरते हैं, उनको ओम भूर्वस्वः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता होगा इनको हरामजादों को, और ये हिंदू बने फिरते हैं और ये हमें ज्ञान देते हैं, 120 करोड़ हिंदुओं को ज्ञान देते हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे अपील है और हाथ जोड़कर बहुत विनती करता हूं मैं कि अगर देश को बचाना चाहते हो, अगर देश को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, इस देश की संस्कृति सभ्यता और हमेशा से सनातन रही है, सनातन परंपरा से इस देश को हम लोग जगमगाते हुए आए हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस देश को बनाने के लिए, इस देश को बनाए रखने के लिए। हमारा देश भले ही आज पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज अगर इसकी संस्कृति और सभ्यता भी खत्म कर दोगे तो इस देश को गटर बनने में देर नहीं लगेगी।
रूस हमें फॉलो करता है, अमेरिका हमें फॉलो करता है, जापान हमें फॉलो करता है, जर्मनी हमें फॉलो करता है, फ्रांस हमें फॉलो करता है, लंदन हमें फॉलो करता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को वो लोग फॉलो करते हैं और यहाँ पर घूमने आते हैं और हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता युगों युगों में बहुत ज़्यादा महान रही है और वो विश्व गुरु भी रहे हैं हम लोग और पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है और हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस भारत को बनाए रखने में, इस भारत की संस्कृति को बनाए रखने में, इस भारत की सभ्यता को बनाए रखने में। तो सभी देश के 120 करोड़ जितने भी हमारे भाई बहन हैं और जितने भी सनातनी हिंदू हैं उन सभी से मैं तरुण शुक्ला हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस बॉलीवुड को पूरी तरह से बहिष्कार कर दीजिए, इतना बहिष्कार करिए ताकि इनको ये समझ में आ जाए कि अगर हम सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे तो इस देश में भी नहीं रह पाएंगे। और मूवी अगर बनाना है आपको तो आप सनातन धर्म पर बनाइए, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से प्रेजेंट करिए और पहले संस्कृत सीखिए, हिंदी साहित्य को जानिए और सनातन धर्म को पढ़िए, उसके लेसन को पढ़िए, अध्ययन करिए, स्टडी करिए। जब तक सनातन धर्म को आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप मूवी बना लेंगे। अबे साले तुम टपर टपर और पटर पटर क्या नाम अंग्रेजी बोलती हो, कॉन्वेंट की पैदाइश, और तुम सारे सनातन धर्म का ज्ञान देते हो है? तुम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हो और तुम सनातन धर्म का ज्ञान देते हो। तुम्हारी मूवी का टाइटल है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को पहले सीख के आओ कि ब्रह्मास्त्र क्या है, सनातन को सीख के आओ पहले। समझ में आया? इन सभी को बाइकॉट करो, टोटल बहिष्कार करो इनका, इनको इनकी औकात दिखा दो कि बेटा हमारे पैसों से अगर तुम इंजॉय कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो तो हमारे बिना तुम फकीर भी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में लेकर आना है और नोएडा में फिल्म सिटी बनाना है। हमारे योगी महाराज योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, उसको पूरा करना है, नोएडा के अंदर फिल्म सिटी को बनाना है और तब हम अपने धर्म और अपने संस्कृति को बचाएंगे और इस बॉलीवुड को गटर छाप बना देंगे। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो इनको इनकी औकात पता चलेगी दोस्तों, वरना ये साले हमारे देश में रहकर हमारे लोग खा रहे थे और ये भगवान बने, ये देवता बन चुके थे लोगों के, ये देवता बन चुके थे। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इनको इनकी औकात बतानी है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इसको सनातनी हिंदुओं को शेयर करें और सभी व्यक्तियों को शेयर करें जो इस कराची बुड का बहिष्कार करते हैं। सबका बहिष्कार होगा, अक्षय कुमार का बहिष्कार होगा, रणवीर कपूर का बहिष्कार होगा, सिद्धार्थ कपूर का, हर व्यक्ति का, शाहिद कपूर का, जितना भी व्यक्ति है, जितना भी हीरो टाइप का आदमी उसमें नौटंकी काम करता है, इन सभी नौटंकियों का विरोध होगा और ऐसा विरोध होगा कि ये मूवी बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग बना रहे दोस्तों और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक कदम भारत के साथ, हर एक खून का कतरा भारत के साथ, राष्ट्र के लिए समर्पित है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।